नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 28 तारीख है और दिन है शुक्रवार। सरसों में तेजी का माहौल मोमेंटम बनता जा रहा है और सरसों में लगातार सुधार हो रहा है। पिछले दो दिन से तो आप लगातार देख रहे हैं। कल एक दिन के अंदर 150 रुपये भाव बढ़ाया था गोयल कोटा ने और आज फिर भाव गोयल कोटा ने लगभग 100 रुपये तक बढ़ा दिया है, यानी आज भाव हो गया है गोयल कोटा का 6000 रुपये। और भरतपुर मंडी आज भाव के रूप में 5800 रुपये तक पहुंच गई है व्यवहारिक तौर पर, मतलब इस 5800 रुपये के रेट पर कारोबार हुआ। तो सरसों का बाजार किस लिए तेज हो रहा है ये सब आप जानते हैं, बार बार इस पर हमने चर्चा की है और आपको जानकारी दी है कि अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं है। आज भी 3.5-4 लाख बोरी की आवक हुई है, 4 लाख से भी आवक नीचे आ गई है। तो अब सरसों में अगर तेजी नहीं आएगी तो फिर कब आएगी? अब सवाल ये है कि सरसों में तेजी आएगी कितनी और कब तक आएगी, इस पर चर्चा करें। इससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। पिछले दो दिन से जो मोमेंटम सरसों में तेजी का बना हुआ है वो आज भी जारी था। भरतपुर मंडी कल 5725 रुपये खुली, आज लगभग 50 रुपये बढ़ करके 5771 रुपये पर खुली, लेकिन इस समय जो भाव है वो 5800 रुपये है। दैनिक आवक जैसा मैं बता चुका हूँ कि 3.5-4 लाख बोरी है और जयपुर मंडी का भाव 25 रुपये बढ़ करके 6100 रुपये का भाव आ गया है। इसी तरह से चरखी दादरी और दिल्ली लाइन पर भी भाव 50 रुपये बढ़ा है। 5950 रुपये चरखी दादरी का भाव है, 6000 रुपये भाव है दिल्ली का। और इस तरह से जो दूसरी प्लांट और दूसरी जो मंडियां हैं उनके अंदर भी 50 रुपये से 100 रुपये तक का बाजार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आवक कमज़ोर होने के कारण ही मंडियों में सरसों की खपत, सरसों की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। दूसरा सवाल ये है कि अब आगे सरसों में कितनी तेजी आएगी और कब तक आएगी। ये कब तक वाला जो सवाल है ये बड़ा गंभीर है, ये बहुत टेढ़ा सवाल है, इसका उत्तर सीधे तौर पर कोई नहीं दे सकता। लेकिन सरसों में तेजी आने की संभावना बढ़ती जा रही है। अब फसल आएगी आप मान के चलिए फरवरी के एंड में जाकर के, फरवरी 2025 में, तो 8 महीने का लंबा समय पड़ा है और दूसरा कोई विकल्प सरसों का है नहीं। और सरसों के लिए, सरसों तेल की जहाँ डिमांड बढ़ती है, वो प्रमुख त्यौहार अभी सारे ही आगे हैं। जन्माष्टमी से मुख्य पर्व शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे त्यौहार शुरू हो जाते हैं, वहाँ से लेकर के दीपावली तक जो त्यौहारी सीजन होता है उसमें तेलों की मांग बढ़ती है। तो उस समय सरसों में क्या कितनी तेजी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 22 लाख टन के आसपास सरसों सेंटर की एजेंसियों के पास है, स्टेट की एजेंसियों के पास, कुल मिलाकर के तो राज्यों की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं उनके पास 22 लाख टन के आसपास सरसों हैं। यदि वो सारा का सारा माल भी बाजार में उतार देंगे तो भी आपूर्ति नहीं होगी। और इसलिए लगता है कि सरसों का बाजार जुलाई सेकेंड वीक से कुछ और ज़्यादा सुधार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आज भाव हम जयपुर का 6100 रुपये मान रहे हैं, भरतपुर मंडी का भाव हम 5800 रुपये मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जुलाई के सेकेंड वीक तक तो ये भाव 200-300 रुपये तक तो आराम से बढ़ सकते हैं। और सरकार की निगाह भी इस पर बनी हुई है, लेकिन आप देखते हैं दूसरे उदाहरण हमारे पास हैं। गेहूं का उदाहरण हमारे पास है, चना का उदाहरण हमारे पास है, जिन पर स्टॉक लिमिट लगी हुई है और उसके बावजूद ये भाव निरंतर बढ़ रहे हैं। गेहूँ का भाव भी बढ़ रहा है, 2700 रुपये तक पहुँच गया है भाव आज। चने का भाव भी बढ़ रहा है 7000 से ऊपर, 7200 के आसपास, 7100-7200 के आसपास कारोबार हो रहे हैं दिल्ली लॉरेंस रोड पर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरसों के अंदर भी तेजी रोकने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और बाजार ठीक ठाक दृष्टि से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। मूंगफली तेल 1500 रुपये, राजकोट का भाव स्टेबल है, और जो आपका बिनोला तेल का जो भाव है कड़ी का, वो 5 रुपये बढ़ा है, 920 और 925 रुपये कड़ी में, 25 रुपये, 925 रुपये और 920 रुपये भाव है राजकोट में प्रति 10 किलो। इन दोनों तेलों के अंदर भी संभावना जो है वो बढ़ने की है। और जो सरसों तेल है वो आज 1165 रुपये और 1155 रुपये प्रति 10 किलो कच्ची घाणी और एक्सपेलर का भाव जयपुर का आज 10 किलो का दर्ज हुआ है। तो सरसों तेल में भी अच्छी डिमांड आने की संभावना है, थोड़ा मौसम
ठंडा हो जाए, थोड़ी बारिशें हो जाए। हालांकि बारिशें कह रहे हैं कि कुछ कमज़ोर है, लेकिन जैसी भी है अगर मानसून थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहेगा तो सरसों तेल की और दूसरे खाने के तेल की मांग निकलती रहेगी। आइए जो इस समय का जो बाज़ार है वो देख लेते हैं। आज इस समय भरतपुर मंडी का भाव है 5800 रुपये, मॉर्निंग से करीब करीब 30 रुपये तेज़ है। शमशाबाद दिगनेर का भाव है 6550 रुपये, इसमें 25 रुपये का सुधार हुआ है। अलवर का भाव 6500 रुपये है, कोटा का भाव 6450 रुपये है, और भरतपुर मंडी का मैंने आपको बता ही दिया। नडवई का भाव भी लगभग इसके बराबर है। जयपुर 6100 रुपये, दिल्ली 6000 रुपये, चरखी दादरी 5950, सुमेरपुर 6000, बरवाला 5650, हिसार 5700, मुरैना 5600, ग्वालियर 5700, कैरथल मंडी 5800, अलवर 5850 से 5900 रुपये, 5900 रुपये तक का कारोबार। खेरली मंडी 5820 रुपये, हिंडौन 5817 रुपये, आदमपुर मंडी 5700, रेवाड़ी 5800, टोंक 5705, निवई 5725, गंगापुर सिटी 5820, गंगानगर 5671, नोर 5850, नागौर 5600, कोटा 5600, बीकानेर 5500, सिरसा 5600 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।